रो तो सस्ते में तो बच्चन पूरा गलियों में एक चोर भीरा बास दोया तन देखा है गड़ी। अच्छा चोर यार तो सीधी जागा चार गलियां होंगी, चौथी गली में बड़का चार बिल्डिंग होंगी, चौथी बिल्डिंग में चार फ्लोर, चौथा फ्लोर पर चार कमरे हैं और उन चौथा कमरा में चार अलमारी धरी हैं, चौथी अलमारी में चार लॉकर हैं और उस चौथा लॉकर में गीता धरी है। मैं उसकी कसम खा के मैंने कौन चोर देखे कोई तेरी दादी का जमाई लेगा बाजा तेरी बुआ ना अक्की यार भाई थप्पड़ क्या था मारा। एक तो धरता इतनी दूर दरी गीता ही कसम खाकर सच्चाई बताई और हम फिर भी थप्पड़ मारे, इसका मतलब तो सच्चाई बताने का धर्म नहीं रहा। अरे सच्चाई बताने का धर्म तो है पर कसम खाने की लोड़ थी, सीधा सीधा कह रहा भी मना देखे नहीं चोर। अरे मैंने सोचा कभी नू ना था मेरी बात में विश्वास करा, फिर गीता कसम खाने की लोड़ थी कहीं और खा लंदा। अरे ले था नहीं तो डाला पड़ा के बार बार अदालत में गीता कसम खुआगा। अब मेरा मतलब की कानून आगा तो गीता ही कसम खाई जाओ भी, तो फिर मैंने सोचा कि कानून तो कानून ना चाहे अदालत में हो चकड़ी बार। अरे तो फिर सीधी सीधी खा लंदा भी गीता की कसम, मन कौन देखे कोई चोर चार यू चार कमरे चार नंबर के चक्कर था। अरे जे सीधी सीधी खांदा तो के बेरा थारा समझ जांदा कि नहीं, फिर हम और सवाल कर दे कि कौन सी गीता तेरी के लाका गीता। अरे नी वाला जाल जागा था मेरे पास वो 200 रुपए लेकर चलते बंदे, इसी करके अपन ने तो पहले ही सब कुछ क्लियर बता दिया। नहीं तेरे कहने का मतलब कि हम खम खाई लोगों पीछे खावा। ना ना पीछे तो नहीं खम खाई लेंदे, पीछे तो रीजन दे ही लेवा, पर जो रीजन देवा नहीं वह खम खाई होगा। अरे भाई जनाब आप क्यों लग रहे हो बिना बात दिमाग पर, यू आप तो कह रहे हैं गिल में अपना भी कर देगा, पेज का पासा मारो ना। अरे तो बगले उड़ते और दिख नहीं जाइए। ले यह क्या बात हुई, दिखूंगा तो यही और मिस्टर इंडिया किस तरह बनू। अरे मेरे कहने का मतलब आस पास नहीं दिख जाइए। आस पास ही दिखूंगा जब मैं रहूं आस पास ही हूं, जो ज्यादा तकलीफ हो जलवा का ऑस्ट्रेलिया भेज दे। अरे मेरे कहने का मतलब मनन दिख जाइए, जितना नहीं देखना तो अपनी आंखें पड़वा ले मेरे तक क्यों कहवा। पता नहीं सब रहे हैं जाम दिया के बाद की तार लग जाएगा। अरे जनाब इन्हें छोड़ो आप चोर ना पकड़ लेना। अरे चोर ना पकड़ तो गया था उसके अलावा मेरी कौन सी बुआ का छोरा लगा था, मैं ताल ताल पूछ रहा था। अरे जनाब मेरे पास खींच रहा किसी और का गुस्सा मेरे पता नहीं कोई लोड़ नहीं, चोर ना पकड़ का मन कड़ी तीन स्टार मिलते हैं, पकड़ना पकड़ ले मेरे लिखा कर जाकर सोचा कर जाकर सोचा पकड़ना तो पड़ेगी, चल खड़ी और देखेंगे आजा। बांग्लादेश का खिलाफ होने वाला मैच जीतेगा हाँ जरूर जीतेगा, तो मैंने यस सिलेक्ट कर दिया और इतने रुपए में इन्वेस्ट कर दिए क्योंकि मैं शोर हूँ, तो मैंने नीचे दिए गए क्वांटिटी स्लाइडर की मदद अपनी क्वांटिटी और इन्वेस्टमेंट बता दी क्योंकि जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा रिटर्न। अरे इसमें तो पैसे लेकर देंगे किस तरह भाई साहब, या पैसे तुम गूगल पे पेटीएम यूपीआई की मदद आराम से विड्रॉ कर सका। ले यार पहला बता देता तो जब मैं कितने पैसे नहीं कमा देता। अरे चल कोई बात नहीं इबी भी टाइम है यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाकर प्रोमो ऐप डाउनलोड कर और 25 रुपए का वेलकम बोनस पा, 7 मिलियन तक ज्यादा लोग ना इस पर अपना ओपिनियन देगा, हजार और लाख रुपए कमा लिए तो तुम भी डाउनलोड कर और रियल कैश कमा। बस इबी करो डाउनलोड।
राम राम ताऊ। अरे ताऊ सुनता नहीं के? ओ ताऊ ऊंचा सुना के? ऊंचा तो सुना गई, जब बोल रही थी ऊंची आवाज में लाग रहे थे हम। तुम उरा भी आ लिया? मैं उरा नहीं आया हूँ, तुम उरा आया हैं? अब मेरा मतलब कि मैं तो अपना घर आई हूँ, तुम उरा के लेना आया। अच्छा, तो यू तेरा घर आ? यस, कोई शक? अरे यू कौन? दिस इज माय दादा। अच्छा, यू जब मगन हो रहे पढ़न मा, इस उम्र में क्या की तारी लग रहा करना? फाइनल ईयर की। मतलब? मेरा मतलब की गीता लाग रहा पढ़न। अरे थारे घर में गीता कोई विशेष चक्कर आ गई? शेष के बहुत विशेष चक्कर आ। हम पढ़ा भी गीता, हम गीता की झूठी सोमी नहीं खाते, हम गीता जयंती पर भी जावा, मेरी माँ का नाम भी गीता, मारा घर माँ, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू गीता। अच्छा रा, फिर तो तेना महाभारत के बारे में पूरी नॉलेज होगी। बिल्कुल। चल फिर एक बात का जवाब दे, महाभारत युद्ध शुरू करने से पहला भीष्म पितामह ने शंख बजाया था तो उसका मुंह किसका नहीं था? पेवे का नहीं था, लड़वे का नहीं था, अंबाड़े का नहीं था, या फिर करनाल का नहीं था? अब देखो मैं तो थोड़ी कम ही पढ़े करूँ गीता, मेरा दादा ज्यादा पढ़ा तो इस टाइप पूछना पड़ेगा। दादा? ओ दादा। अरे के सांप लड़ गया? ओ तेरी बाण के माँ, यहाँ तो जाइंद वाले बंदे हैं भाई। जाइंद जाइंद जाइंद। दादा यहाँ नू पूछा कि महाभारत का युद्ध शुरू होने था पहला कुरुक्षेत्र में जो भीष्म पितामह ने शंख बजाया था वह पेवा कानी मुख रखा बजाया था अगर लाडवा कानी अकंबाड़ा कानी या फिर करनाल कानी है? महाभारत में कोई भीष्म पितामह भी था? और है तो था भीष्म पितामह थे तो महाभारत की कहानी शुरू हुई थी। फिर मन्ना के पता, मैं कोई महाभारत के टाइम का थोड़ी हूँ। महाभारत का टाइम का तो नहीं है पर यह गीता तो पढ़ी जावा सारा दिन, इन्हें पढ़ का नहीं पता लग गया। अरे यह गीता थोड़ी आ, गीता का तो इस पर सिर्फ कवर चढ़ रहा है, या तो सोतन से छुटकारा पाने की किताब आ। तेरी कौन सी सोतना? अरे मेरी कहना कोई सोतना हुआ थी, और जुन सी तेरी पड़ोस वाली दादी नहीं आके उन्ना पाना किसी सोतन से छुटकारा, तो वह मेरे ते बोली अक भाई मेरे पर तो किताब पढ़ने का टाइम है नहीं, तो पढ़ ले जो भी तरीका होगा मेरे ते बता दिए, इस कर का पढ़े जाऊं मैं तो। उसकी कौन सी सोतना? वो भी दादा जे मेरी दादी कुछ हो गया नहीं फिर देख लिए। अरे तो इतनी लंबी नहीं सोचे कर, ऐसी कोई बात नहीं है, हरू भी सोतन ते छुटकारा पान का तरीका तो मन्ना उसने कद का बता दिया, अरुणा उपाय घर का छुटकारा पा भी लिया। तो फिर ये की रोज ठाका बैठ जा तो ही ना। अरे इसमें और भी चीजा के बारे में बता रखे है, जैसे कि पड़ोसियों को अपनी उंगलियों पे नचाना, दुश्मन से बदला। अरे वो भी दादा तेरा छड़े मा तो मंजा टिक नाल हो रहा है, ईव किस पता बदले लेवेगा तू, तेरे परमात्मा का नाम नहीं लिया जाता? क्यों मैं क्यों ले उसका सरे कंजूस का नाम? अरे उस परमात्मा का नहीं, वो ऊपर वाला परमात्मा, वो लीली छतरी वाला। ले उस लवा तो जानिया, उसका नाम लेवेंगे उस लवा बैठ का, उरा रहंदे तो उरियाणा के ला साहब कर ला भी। अरे चुप, थारी बात कोई मुंह सिर भैया, कैसी बात लग रही हम करने? अरे भाई जनाब तो मेरे पास क्यों खींच रहा? अरे मेरे बाप तरपा कौन खींच रहा, इन पर खींच रहा दोनों पकड़े हैं। अरे ताऊ तनु बता पूरा ने चोर फिरता कैसे ओटो तन देखा के वा? ला फिर सुन बेटे, वा बात बताई देऊं तन्ना। 1948 का जन्म मेरा, देश आजाद होने से एक साल बाद का, उस टाइम भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध छिड़ रहा था, और 1965 में मेरा ब्याह होया, उस टाइम भारत पाकिस्तान का दूसरा युद्ध छिड़ रहा था। हम बेटे मानने के नहीं है, ऊपर से बम लग रहे थे गिरन, और मन्ना फिर भी फेरे ले लिए थे। उसके 5 साल बाद मेरे पास कोई शरीर नहीं होया, फिर 5 साल बाद मेरे ते किसी ने बताया अख भाई फलानी जगह जाकर फलानी चीज की सुखना करो, फिर मैं नवा करी, फिर 1971 में मेरा छरीट होया, पर ना पाकिस्तान ने किल की मारी इंगा इसके बाप ना, फिर 1995 में मन्ना इसके बाप का ब्याह कर, और 1998 में यू होया, और राज चल रहा 2022, तो मतलब 50 और 20 70 70 और 4 74 74 साल की उम्र होगी मेरी, और
74 साल मा मन्ना आज तक कदी खेसी नहीं देखी, कैसी हो? और तो मेरे ते खेसी वाला बंदा पूछ रहा है। अरे यू पोता तो था जैसा कैसा है, दोस्ती भी चंदे ऊपर लिख रहा है। जनाब मन्ना तो लगन का सारा खानदान इस तरह का, इससे पहला कि तीसरी लहर भी आ जा अपन और तली कर लेना चाहिए, अन्य आज अपना पागल खाने का टिकट पक्का। यार के करा कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ मिर्चान कट गई तेरे की, मेरी गाड़ी भी नहीं आ। राम राम भाई सारंग। तो भी कैसी लगी वीडियो, अगर पसंद आई है तो ना लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल ना सब्सक्राइब जरूर करो। और बहुत जल्द अपना गाना आ रहा है उस खातर भी तैयार रहो और प्रोबो ऐप डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में।